तो हेलो गाइस, सर कैसे हैं आप सभी लोग। सर आज की इस वीडियो में अपन वापस चला लेके आ चुके हैं वॉइस ओवर, और आते ही फंबल मार दिया भाई इतना गंदा। और यार ये वीडियो यार अभी की नहीं है यार, ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, मतलब इतनी भी पुरानी नहीं है। ये अभी जो वेडनेसडे को वन होते हैं ना भाई, इंडिया वाला टूर है यार ये, तो सहलो यार थोड़ा सा, मतलब यार अभी कॉन्टेंट इधर उधर हो जाता है यार कभी कभी। कल भी मैं वीडियो डाल पाया थोड़ा, मतलब समझा करो यार, मतलब मैं थोड़ा सो हो गया था यार, सही बताऊँ ना। हाँ यार मैं सो गया था यार, मतलब आ जाती है यार नींद कभी कभी इंसान को यार। देखो मेरा ना वॉइस ओवर करने का टाइम है रात का 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे के करीब, और मैं यार 1:30 बजे के करीब गाने सुन रहा था, और उससे पहले मैं सोया था यार बहुत कम, क्योंकि पेपर भी चल रहे थे। और फिर मतलब मैं सो गया यार, मैं 1:30 बजे 2 बजे फ़ोन था, लीड थी, ऐसे ही सो गया पड़ा पड़ा, तो कुछ नहीं कर सकते। और यार ये कौन सा मुक्का था मुझे कोई बताएगा एक बार, मतलब इसको स्लो मोशन में देखना एक बार ये, मतलब भाई ऐसे मुक्के कौन मारता है। पर यार मुझे पता था ये आगे गया है तो वापस भी आएगा ही, तो वैसे ही यार ये वापस आ गया। और इजी यार अपने लिए अब कुछ था ही नहीं, मतलब यार देखो अभी कैन एंड क्लाइम यार एक ऐसा हरामी मैप है कि कुछ भी हो सकता है यार। देखो तुम यहाँ पे भी गिर सकते हो, ये जो पतली सी डंडी सी जगह है ना भाई, यहाँ पे भी गिर सकते हो तुम, तो इसमें कभी भी श्योर नहीं होना होता यार कभी भी इतना कि भाई जीत ही जाएंगे, मुक्का भले ही भर दो, लेकिन यार ये मैप वापस पट के मार ही देता है। और यार आप लोग यही सोच रहे होगे कि यार फेस रिवील होगा या नहीं होगा, क्योंकि यार 15K हो गए हैं, और 15K पे मैंने फेस रिवील तो बोल ही रखा था यार, सबको पता ही है, मतलब हो सकता है काफ़ी को नहीं पता हो। लेकिन भाई देखो मैं ना सही से बताऊंगा, कल देखो एक तो मेरा वीडियो डालने का मन था भी नहीं, क्योंकि कल थी 30, और 30 का मैंने बोलता कि 30 तक मतलब हो गए सब्सक्राइबर तो मैं फेस रिवील करूंगा, तो मुझे था कि 30 तक तो नहीं हो पाएंगे, मैं यही सोच के बैठा था कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यार एक दिन में 300 सब्सक्राइबर बढ़ने बाकी थे। उसके बाद कुछ ऐसा सीन होता है, एक तो कार्लोड ने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी, ठीक है, एक तो उसकी वजह से काफ़ी आ गए। दूसरी बात एक ये चीज़ हो गई कि देखो अभी आखिरी दिन बचा था, मैंने सोचा यार आखिरी दिन अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो भाई पक्का हो जाएंगे, क्योंकि भाई बढ़ जाते हैं वीडियो डालने से रीच आती है, नए नए लोग आएंगे बढ़ जाएंगे, तो मैं सोचा वीडियो नहीं डालते कि अपना रीच ना आए, फिर कहीं पे भी रुक जाए यार, मतलब 14999 पे रुक जा, पर रुक तो जा पर नहीं रुका भाई, 15 इतना जल्दी क्रॉस हुआ। मैं सोचा यार मैं हरामी हूँ, पर पता चला यार जनता को ज़्यादा हरामी है, पहले करा के बैठ गई भाई, मतलब अभी तो मैंने सोचा 12 बजे की भी नहीं, उससे पहले हो जाए कुछ ऐसा सीन कि 11:59 का स्क्रीनशॉट खींच लूँगा कि देख लो यार नहीं हुए तो फेस रिवील बाद में, मैं ये सोच के बैठा था मैं कसम से बता रहा हूँ। पर यार कुछ ज़्यादा ही जल्दी करा दिए भाई, मतलब उम्मीद भी नहीं थी मेरे को तो इतना, पर ठीक है यार अच्छी बात है, देखो कराना है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं चाहता था यार थोड़ा सा और वेट हो, थोड़ी और जनता इकट्ठी होए फिर और मज़ा आए, क्योंकि यार वॉइस रिवील भी हमने बहुत जल्दी कर दिया था, 5K पे ही कर दिया हमने वॉइस रिवील, उसको भी थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, पर ठीक है अभी क्या ही कर सकते हैं। और यार काफ़ी लोगों ने बोला कि यार फेस रिवील के साथ वॉइस ओवर करो तभी मज़ा आएगा या ऐसा कुछ, लेकिन यार देखो हम नहीं कर सकते वो सब तो, क्योंकि कैमरा ही नहीं है अपने पास, प्लस अगर हमें लाइव स्ट्रीम पे फेस दिखाना है तो बस हम अपने फ़ोन का कैमरा चला के दिखा सकते हैं, जिसका कोई इतना मतलब बनता नहीं है। तो यार मैं अभी के लिए अपनी बस एक फ़ोटो डाल दूंगा, जो कि मेरे पास मेरे पूरे फ़ोन में एक ही फ़ोटो है मेरी, एक शादी पर गया था भाई वहीं की फ़ोटो अभी तक पड़ी है, और भी फ़ोटो ही नहीं है मेरे पास, मेरी बचपन की है एक, वो भी भाई बहुत सस्ती फ़ोटो है तो मतलब बनता नहीं है, है ये वाली भी सस्ती जो अपनी वाली अभी वाली है, लेकिन ठीक है काम चला लो यार। पर अभी बात मेन मुद्दा ये है कि मैं बस वही एक फ़ोटो दिखा सकता हूँ, और जो लाइव स्ट्रीम बोल रहे हैं लोग वो करेंगे यार, देखो करेंगे तो बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेंगे, कोशिश करते हैं यार कुछ ना कुछ करके जुगाड़ मारने की, पर फिलहाल के लिए तो यार अभी तक तो हम लाइव स्ट्रीम ही नहीं कर पा रहे, इतने टाइम से बोल रहा हूँ मैं लाइव स्ट्रीम हो नहीं रही, फेस रहे इनके साथ तक क्या ही हो पाएगी। अब देखो यार अभी थोड़ा मतलब समझा करो, अभी एक फ़ोटो से काम चला लो, बाद में फिर करते हैं यार ये सब भी। तो बस यार सारी इन्फॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में ही दे दी, जिससे आप लोग को भी थोड़ी शांति हो जाए। और यार मैं फ़ोटो कब डालूंगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब मैं कह सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह सकता, पर मैं नहीं कहूँगा कि, क्योंकि यार मेरा मेन एम था यार कंटेंट क्रिएटर लेने का, आप लोग को पता ही है कि मैं कंटेंट क्रिएटर के पीछे पागल हूँ, और कंटेंट क्रिएटर के लिए मैं अप्लाई कर चुका हूँ, अप्लाई करने के बाद यार एक हफ़्ता रुकना होता है, उसके बाद ही रिज़ल्ट आता है कि मतलब कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो नहीं बन रहे, तो अभी पता चल जाएगा एक हफ्ते में, तब तक रुक जाओ उसके बाद फिर फोटो डाल देंगे। लेकिन यार हो सकता है मेरा मन बदल जाए, मैं पहले भी डाल सकता हूँ, बाद तो नहीं डालूंगा, देखो एक हफ्ते से बाद तो नहीं डालूंगा, 7 अक्टूबर मैक्स है, उससे पहले भी डाल सकती है, तो यार रेगुलर तो रहना पड़ेगा, देखो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, रेगुलर तो रहना पड़ता है। और यार वापस से अभी वीडियो पे आ जाते हैं यार, कुछ ज़्यादा बकवास कर ली, लेकिन यार अभी इतनी बकवास कर ली तो एक और बकवास भी सुन लेते हैं यार। इस वीडियो पे यार हम लाइक गेम रख रहे हैं पूरे के पूरे 2000 लाइक्स का, वापस से नाकाम कोशिश करेंगे, तो लेट्स सी केयर कंप्लीट हो पाते हैं नहीं हो पाते। और यार इस बेचारे कृष्णा को मैं दूसरी बार हरा दिया, और सब्सक्राइब भी करके अगर चैनल को 15K हो गए तो क्या हो गया यार, फंबल कितना मारता हूँ मैं, 15K हो गए तो यार क्या हो गया, हमें और चाहिए, हमें और मांगता है, हम लालच बुरी लालच करेंगे। और यार यहाँ पे मैच में मेरे आ चुका था MA री फायर,
जो कि बहुत हरामी है भाई, घूम के मार के गया भाई हरामी। ये नहीं सीधा सीधा चला जाए, रास्ता दिख रहा है ना, लेकिन नहीं भाई घूम के मार के जाएंगे महाराज। दो बार मार दिया यार बंदे ने, पहले एक बार इसने मुझे हराया, चलो वो ठीक हराया था इसने। स्पॉन एक तो यार इसको राइट में दे दी, ऊपर से मेरे को मार के अलग जा रहा है, ऊपर से ड्रामे देखना भाई बंदे के रुक के जा रहा है भाई। क्या भाई क्या है, कौन है ये? और यार जिसने इंडो वर्सेस इंडिया नहीं देखी ना हमारी लास्ट वाली, उसमें लेजर ट्रेसर जीता था, ये वही बंदा है। और यार कृष्णा, ये भाई कृष्णा प्लेज है जिसका यूट्यूब चैनल भी है और आई एन डी क्लैन का बंदा है, 100 मतलब आई एन डी हो गई अभी। वो बेचारा मेरे से पहले मैच में हारा, फिर वो मेरे से दूसरे मैच में भी हारा, फिर वापस आ गया तीसरे मैच में, अभी भाई फिर हारने वाला है भाई। मतलब शर्म आ रही है थोड़ी सी भी भाई, मतलब क्यों आ रहा है बार बार, नए नए बंदे आन दो यार, ऐसे कैसे चलेगा। तो यार ठीक है यार, अभी के लिए काम चलाएंगे यार, क्योंकि यार मेरे मैचेस में ना यार बहुत टाइम लग जाता है, ओपोनेंट ही नहीं मिलता। तो वही ओपोनेंट मिलते हैं जो वही होते हैं ना, मैच नहीं कर रहे होते, जो शांति से खेलते हैं, 10-10 पॉइंट निकालते हैं, वो लोग आते हैं मेरे मैच में। भाई मैं देख रहा था मेरे 6 मैच हुए हैं, उन लोग के 10-10 हो गए भाई, मैं कहूँ ये क्या हो गया। और यार बस यही पोजीशन रही हमारी, 2 मैच हारा यार मैं उसी रिफायर से ही, एक में वो फेयर जीता, एक में हरामी ने मुक्का मार दिया। तो यार यहाँ पे आ चुका था सेकंड राउंड, और यहाँ पे यार मीत OPIN करके बंदा था, मैंने सोचा यार सब्सक्राइबर है मीत, मैं एक मीत को जानता तो हूँ, लेकिन यार बंदे ने पंच करने की कोशिश करी तो मैंने भी ट्राई किया, पर अपने पंच तो यार हवा में ही भाई ज़्यादा फेमस है अपने पंच। तो यार यहाँ पे मैं खोलता ही हूँ कितने में मुझे मार के चला जाता है ये। तो यार इसके ऊपर हम बायोपिक बनाने वाले हैं कि सब्सक्राइबर ने दिया धोखा, अब क्या करेगा ब्लेजी, ठीक है ये हमारा टाइटल होने वाला है। थोड़ा भोजपुरी टाइप है लेकिन ठीक है यार, काम चला लो, बना रहे ना मूवी, बजट देखते हैं यार कितना रखने का है। तो बस यार फालतू बकवास कर ली यार बहुत, और हक भी दिया। ऊपर से यार ये लोग मुझे स्पॉन भी कहाँ पे ही देते हैं, सीधा स्टार्टिंग में फेंक देते, इससे अच्छा क्या फ़र्क पड़ जाता, हारना तो मैंने था ही, कॉन्टेंट ही मिल जाता है यार, स्टार्टिंग में फेंक देते मेरे को, चलो ठीक है नहीं फेंको वो भी अच्छी बात है। लेकिन यार यहाँ पे ये क्या सीन है कि भाई ओपोनेंट नहीं है, पहली बात ओपोनेंट नहीं होता तो मैच चालू नहीं होता, और ओपोनेंट है तो कहाँ पे है, और अगर नहीं है तो फिर मैच कैसे चालू हुआ, और अगर है तो फिर होना तो चाहिए यार मैच में, और अगर स्टार्टिंग मतलब वो फिनिश लाइन पे खड़ा हुआ मेरा इंतजार करता हुआ तो मैं गेम वालों की ऐसी तैसी कर दूंगा। तो मेन पॉइंट इस कि बंदा कहाँ पे है, मैंने क्या बोला यार मेरे को नहीं पता, ठीक है मेरे पे पुलिस कंप्लेंट मत कर देना कि ये कुछ भी बोलता है, मुझे सही में नहीं पता मैंने क्या बोला, लेकिन यार फिलहाल के लिए बंदा तो नहीं मिला, तो यार यहाँ पे फ्री कराउन अपने को क्या, ठीक है यार अपने को फ्री इवेंट मिलती है हम निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, फ्री की चीज़ें तो यार आने दो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार यहाँ पे स्पॉन हमारा थोड़ा पीछे होता है, तो मैं सोचता रुक के जाऊँगा यहाँ पे, ठुक के चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और वही किया यार मैंने, मैं आराम से आगे निकल गया, फुल लीड भी ले लिया यार, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर मैं वहाँ से जाता यार दूसरी राइट वाली ट्रिक करने तो दिक्कत आती थोड़ी सी, तो अभी दिमाग चला लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा है ट्रिक करने से। पीछे स्पॉन है तो यार 3 सेकंड के लिए रुको और फिर भागो, एकदम प्रॉपर जाएगा जैसे पहले आता था, परा क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, प्रॉपर को भी हक दिया भाई, प्रॉपर पर कर रहा हूँ, आला ला 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 याद आ गया मेरे को भाई, जो भी बोलो ओपी यार आला ला ला भी, चलो ठीक है अभी बाला लाल से हटते यार वापस सारा टूर्नामेंट। तो यार अपने पास यहाँ पे लीड थी और मैं सोच रहा था कौन सी जगह जाऊँ, तो यार सेंटर चुन लेते हैं, देखो फ़ायदा वैसे भी कुछ है नहीं इधर उधर आया तो मैं सेंटर ही चलते हैं, अगर बाई चांस नहीं भी आया तो भी देख लेंगे। एक तो भाई कॉन्फिडेंस इतना क्यों है मेरे में मुझे नहीं पता भाई, करता कुछ नहीं हूँ कॉन्फिडेंस लेके बैठा हूँ। और यार मैंने वापस से ग्राइंड करना चालू कर दिया, अभी देखो मैं बीच में हंगने लग गया था यार, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, अभी नहीं भाई अभी हो गया सब, हगना वगने का टाइम चला गया अपना, अभी प्रॉपर ग्राइंड चालू है, अभी कोई नहीं हराएगा अपने को, 1v1 चेक करते यार जल्दी। और किसके साथ करें यार कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, क्योंकि मेरे को नहीं पता यार, मेरे को दिमाग में भी नहीं आता अभी कोई बंदा कि किसके साथ कर सकता हूँ मैं, उड़ीन के साथ होगा कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा और ग्राइंड करने की मुझे ज़रूरत है, मेरे को पता है कि मेरे को कब हराना है कब क्या करना है। तो फिलहाल के लिए तो यार किसी सस्ते बंदे का नाम रिकमेंड कर दो, मैं ट्राई करता यार, देखो मैं बात ही कर सकता हूँ, अब नहीं करेंगे तो फिर मेरे ऊपर नहीं है तो। और यार कमेंट सेक्शन में जा रहे हो तो यार जाके जल्दी से अटेंडेंस भी लिखो यार, एक दिन टीचर ने अपनी मतलब लीव ले ली तो ऐसे थोड़ी अटेंडेंस नहीं होंगी, तो अटेंडेंस दे के आना। और यार ये यहाँ पे बंदा पंच कर रहा होता है, पर यार मैं बस तो जाता हूँ, मैं निकलने की कोशिश करता ही हूँ कि भाई गेम वाले ही बजा देते हैं मेरे को, तो ठीक है यार कभी कभी बंदे बजा देते हैं कभी गेम वाले बजा देते हैं, मैं जीना ही छोड़ देता हूँ, काम करता हूँ। पर ठीक है यार अभी फेस रिवील, मुझे पता है फिर अब लोग बोलेंगे पहले फेस रिवील कर उसके बाद भले जीना छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है। तो चैट में RIP ब्लेजी चला दो भाई, लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ठीक है यार यार कोई सिंपति नहीं ले रहा, मैं आ रहा हूँ वापस मैच करो, ठीक है कोई दिल पे लेगा बात को। तो यार यहाँ पे वापस स्पेस आया था, मैंने सेम ट्रिक चली वापस से, उसने भी सेम ट्रिक चली, लेकिन इस बार मुझे याद था कि हमारे पास तो पंच है, तो मैंने यार सीधा सीधा मुंह पे भजा दिया बंदे के, और आराम से जा रहे थे यार। अभी हगना नहीं था मेन चीज़ वो थी, क्योंकि अगर हगा तो यार बहुत दुखाएगा भाई कसम से भाई, अगर इनके सामने हग दूंगा तो यार उडिन का तो हो गया मेरा, बंदा ही पिट के आऊँगा, और फिलहाल के लिए तो पिटना नहीं है, मेन एम तो मेरा यही है, पेल के आना है भाई, एकदम स्वैग में पेल के आएंगे भाई, 7-0 एकदम, ज़्यादा बोल दिया लेकिन ठीक है काम चला लो यार, करते हैं यार करते हैं 7-0 ही करेंगे, अभी तो देख लो तुम कुछ भी हो जाए, पर 7 मैच होते भी हैं
पहली बात तो सात मैच होते ही नहीं है, तो 7-0 कैसे होगा। चलो छोड़ो यार छोड़ो, क्यों मैं भाई टॉपिक से नहीं जाना हमें, ठीक है मैच पे आ जाते वापस। वाह भाई मैच पे आते ही मैच खत्म हो गया। तो यार यहाँ पे 30 पोजीशन पे हमने खत्म किया था, 64 इन थे तो आराम से इन हो गए। अब आ चुका था फेज 3, बहुत क्रूशियल राउंड है यार ये, यहाँ पे बहुत स्कैम होते हैं। और यहाँ पे यार था मेरे सामने 7 अगैम, और यार मुझे एज यूजुअल ने खोपचे में फेंक दिया था कि भाई वहाँ से स्टार्ट कर तू, ये आगे से करेगा, फालतू का मतलब अनफेयर एडवांटेज दे देते हैं। तो यार मैंने इसको यहाँ पे मुक्का मार दिया भाई फ्लो फ्लो में, क्योंकि यार एक बार नाम देखो इंटरनेशनल लग रहा है नहीं लग रहा। उसके बाद यार इसने बंदे ने मुझे हाय बोला, मैंने सोचा कोई बात नहीं, क्या पता तुक्के में हो गया हो, गलती से हो गया हो, पंच कर रहा हो, हाय दब गया हो। फिर से मुझे वापस हाय बोला, फिर मैं सोचा कहीं सब्सक्राइबर ही तो नहीं है, पर यार ये फिर ठुक गया। मुझे लग रहा था यार ये बाहर का बंदा है इसलिए मैंने इसको मुक्का मार दिया, पर यार ये सब्सक्राइबर ही निकलता है। लेकिन यार इस बंदे की अब पिंच वेस्ट नहीं गया, इस बंदे ने कारलोड के थ्रू यार मुझे डिस्कॉर्ड पे बताया कि मैं इंडियन हूँ, मैं तेरा फ़ैन हूँ, मुक्का क्यों मार दिया, ये सब बात हुई हमारी। तो मैंने यार देखो मैं कुछ कर तो सकता नहीं यार, मैं मुक्का वापस नहीं ले सकता, तो मैंने बदले में फ्रेंड रिक्वेस्ट ले ली यार इसकी, और क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो यार यहाँ पे आ चुका था सेकंड मैप लॉस्ट टेंपल, और लॉस्ट टेंपल में यार ये बंदा क्या करना चाह रहा था मेरे को समझ नहीं आया, मुक्का मार के खुद ही गिर गया। क्या चाहता क्या भाई ज़िंदगी से, मेरे को एक बार बता तो देता, बिना बताए चला गया भाई। अब छोड़ो यार जो ज़िंदगी से ही चला गया, क्या फ़ायदा उसके बारे में बात करने का। तो यार यहाँ पे हम, और मैं एक और चीज़ बताना भूल गया हूँ यार, कि 15K पे मैंने बोला था यार ग्रैनी 3 खेलेंगे अपन, और काफ़ी लोग भाई एक्साइटेड भी थे, और काफ़ी लोग को पता है नहीं पता होगा कि मेरी सबसे ज़्यादा भूतों से फटती है यार, मतलब मैं कभी नहीं सह सकता यार। एक बार मैंने वॉइस ओवर भी छोड़ दिया इसी चक्कर में आता, जब लाइट चली गई थी, तो यार भूतों से तो मेरी बहुत गंदी फटती है। तो भाई मज़ा करेंगे एकदम चिल मारेंगे, अभी भी 5 बज रही है और मैं भूतों की बातें कर रहा हूँ, मेरी अभी फट गई। तो करते हैं यार स्ट्रीम उसकी भी करते हैं यार स्ट्रीम, डरते क्यों। और यार यहाँ पे आ चुका था थर्ड राउंड, और टोटल 7 राउंड होते हैं। मैं सोच रहा यार इस बार तो मैं टूर्नामेंट ही जीत जाऊँ, पर यार ये बंदा बहुत गंदा मुक्का मार रहा था। उसके बाद मैं सोच रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पंच वाला खोल के बैठा हूँ, ये नहीं कि पंच मार लूँ मैं, और ये बंदा निकल गया भाई। मैं यही सोचता रह गया पंच मारूँ कब, कब ना मारूँ, और ये बंदा भाग ही गया भाई सीधा सीधा। तो अब यार सबको पता है यार फिर पिट गए हम पंच से, तो कोई फ़ायदा नहीं है यार। मतलब मैं मार भी सकता था लेकिन मैं नहीं मारा, पता नहीं क्यों नहीं मारा मैंने, कसम से यार भूल ही गया भाई कि मेरे पास भी पंच है। तो पिट गए भाई, फिर भी थोड़ा सा ही रह गए थे यार लेकिन पिट गए। तो बस यार आज की वीडियो का इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। फेस रिवील की इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ लाइव स्ट्रीम की, मैं कुछ कह नहीं सकता। और बहुत बहुत शुक्रिया यार जो जो अपने फैम का हिस्सा है यार, बहुत बहुत शुक्रिया यार, मतलब दिल से शुक्रिया भाई, मतलब बहुत ज़्यादा भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता भाई, इतना ज़्यादा शुक्रिया यार 15K इतना जल्दी कराने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम स्ट्रीम पता नहीं कब करेंगे, और बाय बाय। 2 सेकंड रुको यार, बाय बाय ऐसे कैसे, आज मैं पहली बार कुछ मांग रहा हूँ आप लोग से, मतलब पहली बार तो नहीं मांग रहा, मांगता रहता हूँ, लेकिन फिर से मैं मांग रहा हूँ। तो यार बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि स्ट्रीम का यार कुछ नहीं पता, और स्पेशल स्ट्रीम जब 15K की होगी तो वो ग्रैनी 3 और स्टम्बल गाइस मिक्स होगी, तो मिस मत करना, मज़ा आएगा यार, कॉमेडी होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो मैं बता सकता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अब पक्का वाला बाय बाय, ठीक है अभी बाय बाय, ठीक है बाय, चलो मिलते हैं यार, बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, हाँ सही में हो गया, चलो बाय बाय।